अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस और uh, हम मैं बात कर रही हूँ कि वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो लोग जो डायबिटिक के अपनी डायबिटीज़ uh, रिवर्स करना चाहते हैं वो कीटो के फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं कीटो किए बग़ैर अब होता क्या है कि ओबीज uh, लोगों में क्योंकि ओबेसिटी आपके पास एक सोजिश एक इन्फ्लेमेशन की टाइप है और जो डायबिटीज़ है वो भी आपके पास एक इन्फ्लेटरी डिजीज़ है बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज डिज़ीज़ जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के होते हैं ये इन्फ्लीशन और जो ऑटोबिन डिजीज़ होते हैं इन्फ्लीशन इनका एक खास हिस्सा है तो इनकी जो डाइट होती है वो एंटी इन्फ्लेमेट्री होती है एंटाईक्सीडेंट होती है और इसमें हमें लाइफ स्टाइल भी वही अपनाना पड़ता है जो कि जिसमें में एंटा ऑक्सीडेंट्स यानी डिजीज़ कॉजिंग जो बीमारी करने वाले जो सेल को डैमेज पहुँचाने वाले केमिकल्स हैं उनको मार सकें तो आ, आ, अगर हम एक ऐसा लाइफ स्टाइल अपना लें जो कि बॉडी में इन एंटा ऑक्सीडेंट्स को भी पैदा करें डिज़ीज़ फाइटिंग केमिकल्स को पैदा करें जो कि नुकसान करने वाले हार्मफुल रेडिकल्स को जो है वो मार सकें और साथ ही हमारी बॉडी को कीटों के फ़ायदे भी पहुँचाए तो क्या ही बात है इससे पहले कि बता दूं कि वो तरीका क्या है मैं आपको एक लाइफस्टाइल स्टाइल चेंज है जिस पर मैं पिछले दस साल से कायम हूँ और इन आगे भी कायम रहूँगी ऐसा है कि हमारे पास प्री uh, डायबिटीज़ जो है यानी जो डायबिटीज़ से पहले वाली स्टेज ऐसी है क्योंकि ये वैसे भी डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ है प्री डायबिटीज़ आपके पास तब तक डायग्नोज uh, 10-15 साल आपके पास आपकी बायोकेमिकल लैब रिपोर्ट्स में नहीं आता तो अपने एच बी ए वन सी को इतना हतमी रिजल्ट या इंसुलिन को मत माने वो नॉर्मल भी आ सकता है लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ अगर आपको वो है तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं उसके लिए आपको अपने एच बी ए वन सी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो आपको छह नजर आए अब होता क्या इन लोगों में कि जो जरूरत से ज्यादा शुगर होता है बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ योर बॉडी योर ब्लड डज नॉट लाइक शुगर उसको पसंद ही नहीं है तो ये जो आप एडिड शुगर जब ब्लड में एड होना शुरू हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जरूरत से ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो वो बॉडी में डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करते हैं स्टिकी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनको आपके पास डैमेज uh, कॉज uh, करते हैं और uh, जो डायबिटीज़ है जो प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है जो हाई ब्लड ग्लूकोज वाली बॉडी में स्टेज है उसका सबसे फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम होता है बहुत फेवरेट टारगेट तो वो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं अब न्यूरॉन्स की एंडिंग्स डैमेज हो जाती हैं ना वो नए कनेक्शंस बना सकते हैं उनके ऑलरेडी कनेक्शंस भी डैमेज हो जाते हैं और अब इन न्यूरॉन्स ने जो ग्लूकोज जजब करना था जो एब्जॉर्ब करना था एनर्जी के लिए वो ये नहीं कर रहे हैं अब आप, आप के न्यूरॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं आप फिटीकड हैं आप प्री डायबिटिक हैं आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं आप डायबिटिक हैं आप बीमार हैं आप लिथार्जिक हैं और आप और खाई जा रहे हैं लेकिन वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है यहां पर आपको जरूरत है अपने दिमाग को कीटोन्स प्रोवाइड करने की जैसे कि मैंने जब हार्ट पेशेंट्स के लिए वीडियो की थी और मैंने कहा था कि आप कोकोनट ऑयल एम ऑयल जरूर लें क्योंकि वो आपके दिल को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो आपके दिमाग इस वक्त अगर कीटोन्स को एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे लेकिन उसके लिए मैं आपको कीटो डाइट नहीं करवाऊंगी एग्जैक्ट अगर कीटोन्स को एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे तो वो बाईपास कर जाएगा यानी क्रॉस कर जाएगा उसको जरूरत नहीं रहेगी न्यूरोन्स के ग्लूकोज जजब करने वाले प्रोसेस की मैकेनिज्म की और डायरेक्ट न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा और इस वजह से आपकी बॉडी में ऐसा ऐसा ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की रेजोल्यूशन भी होना आ, वो ठीक भी होना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रिवर्स हो जाए वो तरीका है इंटरमीडियंट फास्टिंग जो कि मैं टू थाउजेंड ट्वेल्व जुलाई से कर रही हूँ एंड इट इज अमेजिंग इट इज बेनिफिटेड मी इन एवरी वे अब इंटरमीडियंट फास्टिंग जो बिगिनर्स हैं उनके लिए पहले भी वीडियोज कर चुकी हूं कि फास्टिंग में आप क्या खा सकते हैं क्या आने इसके फायदे सिक्सटीन आवर्स का रेशो इज द बेस्ट रेशो यानी 16 घंटे की ऐसी विंडो पीरियड जिसमें आप कुछ नहीं खाएंगे और उसके बाद 8 घंटे का वो पीरियड होगा जिसमें आप खाएंगे लेकिन आप उसमें स्नैक्स नहीं लेंगे आप मील्स कम लेंगे ठीक है ये स्टार्ट में है मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तो बीस घंटे तक भी ले जाती हूँ अठारह घंटे अगर आप रखें बहुत ज़बरदस्त है अब उसमें क्या होगा कि आपके ये जो कीटोन्स हैं वो आपकी न्यूरॉन्स uh, को एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे आप दोबारा से एनर्जेटिक फील करना शुरू हो जाएंगे आपके दिमाग की इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी आपकी न्यूरॉन्स दोबारा से नए नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर देंगे आपका मेमरी अटेंशन फ़ोकस सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा मुझे किसी ने उस दिन पूछा था कि uh, कोई ऐसी चीज़ बताएँ कोई ऐसी डाइट बताएँ जिससे आपकी फ़ैमिली में अगर एल्ज़ाइमर्स की हिस्ट्री है Uh, सुलाफी नकवी ये मैं तुम्हारी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ शी इज़ अ वेरी फेमस फेमस योगा एंड फिटनेस ट्रेनर सेलिब्रिटी ट्रेनर कि अगर आपको अपनी मेमोरी इम्प्रूव करनी हो डिमेंशिया वगैरह जो है उसको कम करना हो तो आप क्या uh, करेंगे तो आप फास्टिंग करेंगे उससे आपकी बॉडी में नए नेटवर्क कनेक्शन बनेंगे और इवन कि अगर आपकी फ़ैमिली में एल्ज़मर्स की हिस्ट्री भी है आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं और अगर किसी को एल्ज़ाइमर्स हो रहा है तो वो एटलीस्ट उसकी कॉम्प्लिकेशन कम कर सकते हैं अगर दिमाग में कोई ऐसा प्लाक बन रहा है कोई ऐसा स्कार बन रहा है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो सकती है अगर दिमाग में कोई डैमेज प्रोटीन्स बन रही हैं तो इस इंटरमीडियन फास्टिंग की वजह से आपके पास दिमाग में एक प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है ऑटोफेजी यानी बॉडी अपने डैमेज हिस्सों को खाना शुरू कर देगी और उनका रिपेयर स्टार्ट कर देगी और यही इंटरमीट फास्टिंग आपके दिमाग में रोजा भी यही करता है फास्टिंग भी यही करती है बी डी एन एफ बनाता है ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो कि प्रोटीन uh, है एक पेप्टाइड है जो का आपका मेमोरी और फोकस बहुत इंप्रूव करता है और वो लोग जो मेरे पास आते हैं ना और कहते हैं कि मुझे चीज़ रख के भूल जाती है मुझे भूल जाता है मैंने गाड़ी कहाँ पा की गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है मुझे भूल गया मैंने पर्स में वॉलेट डाला था या नहीं डाला था अगर आप ये करेंगे इंटरमीडियंट फास्टिंग आप देखेंगे कि आपकी जो ये वाली मेमोरी है ये आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी अब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हैं और बीच में जो चीज़ खाते हैं ट्रांसफैट्स खाते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग विद ट्रांसफैट्स इन बिटवीन डोंट डू दैट बीच में भी आपने हेल्दी चीजें खानी है आपने वो जो आपका छह या आठ घंटे का ईटिंग पीरियड है उसमें आपने बहुत हाई काफ डाइट नहीं लेनी और स्नैक्स नहीं रखने बहुत ज्यादा कितने घंटे इसमें मैं जो मर्जी खा लू जब भी आप कुछ खाते हैं आप अपने आप को इंसुलिन हिट देते हैं चाहे आपका स्नैक कितना भी हेल्दी है तो अपने नंबर ऑफ मील्स जो बिगेनर्स हैं वो तीन और जो मंजे खिलाड़ी हैं ठीक है थीके? या जिनको पता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे वो दो रखें और अगर आगे जाके एक भी रखें तो वो तो उससे भी कमाल है यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना मील जो है या और पाँच रखू ग्यारह और पाँच वैसे वो मेरा फेवरेट विंडो है या बारह और छह रखू तो इससे आगे तो खैर लेके जाए नहीं ना क्योंकि फिर सात बजे के बाद आपका कैलरी बर्निंग प्रोसेस आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक स्पीड ये सारी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं आप दिमाग में हेल्दी कीटोन्स भी बनेंगे अब आप आपके ब्रेन में आपका मेमोरी फोकस अटेंशन ये सब कुछ भी इंक्रीज होगा प्री डायबिटीज और डायबिटीज आप डेफिनेटली जो है रिवर्सल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे um, और अगर आपकी ये डायबिटीज की वजह से या प्री डायबिटिक या मोटापे की वजह से क्योंकि मोटापे में भी आपके पास नर्व्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है पैरफुलरोपेथी यानी हाथों पैरों की नर्व्स डैमेज ये जो सुन वगैरह होते हैं ये रिपेयर होना शुरू हो जाएगा इसमें अगर आप अपनी डाइट में बी वन वाइटामिन ऐड रखेंगे आ, आ, जो कि आपके पास बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है मैं इस पर बात कर चुकी हूँ तो आपकी ये जो हीलिंग प्रोसेस है जो रिपेयर प्रोसेस है वो आ, मजीद तेज़ हो जाएगा तो एवरीबडी विदाउट डिले ऑफ अ सिंगल सेकेंड जिनको एनर्जी फिटिक लेवल्स की प्रॉब्लम है ओबेसिटी है इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल रही हैं अपना फोकस इंक्रीज़ करना है मेमोरी इंक्रीज़ करनी है अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ करने हैं आज से इंटरमीडियट फास्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दें और अपने आप को हेल्दी की में लेकर कर जाएँ जिसकी आपके ब्रेन को ज़रूरत है थैंक यू सो मच